हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं चेतन सिंह आप सभी का एडवर्बर पर स्वागत करता हूँ। आज हम लोग कक्षा 12 के लिए फिजिक्स में पढ़ेंगे, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा है कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है और उसके निरक्षीय स्थित पर स्थित किसी बिंदु के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो आइए देखते हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब जैसे देखिए, मान लेते हैं कि ये हम लोग एक वैद्युत द्विध्रुव लेते थे, मान लीजिए ये माइनस क्यू है और ये आपका प्लस क्यू है और इनके बीच की दूरी आपकी 2L है। अब इसमें हम लोगों ने ये पढ़ा है कि ये इसकी अक्षीय स्थिति थी, तो इसके अक्षीय स्थिति के किसी भी बिंदु पर इसके मध्य बिंदु से r दूरी पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी, इसके लिए हम लोगों ने ये सूत्र निकाला था कि E equals to V 1/4πε02πr³। ये इसके अक्षीय स्थिति के लिए था और इसके निरक्षीय रेखा पर, इसके लंबार्धक रेखा निरक्षीय रेखा पर इसके मध्य बिंदु से r दूरी पर यहाँ जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी, इसके लिए हम लोगों ने निकाला था E equals to V 1/4πε₀ और P/r³। अब आज हम लोग यहाँ पढ़ेंगे कि मान लेते हैं कि ये इसका मध्य बिंदु हुआ और इसके मध्य बिंदु O से, मध्य बिंदु मान लेते हैं ये O है, यहाँ ले लिया मध्य बिंदु O है, मध्य बिंदु से न इसके अक्षीय रेखा पर हो न निरक्षीय रेखा पर हो, यहाँ इस तरह से r दूरी पर ये कोई भी बिंदु यहाँ हम P ले लेते हैं। बस ये मान लेते हैं कि ये जो वैद्युत द्विध्रुव है, इस वैद्युत द्विध्रुव से जो रेखा हम ये ले रहे हैं r दूरी पर OP, ये थीटा कोण बना रहा है। अब देखिए, इसे हम दो तरह से ले सकते हैं। देखिए, इसको दो घटकों में वियोजित करते हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये जो P होता है ये माइनस से प्लस की तरफ होता है, इसका डायरेक्शन ये आपका P हो गया, ये आपका P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो गया। अब इस P को हम दो घटकों में वियोजित कर देते हैं, इसका एक घटक इस दिशा में ले लेते हैं और एक इसका घटक इस दिशा में ले लेते हैं। तो चलिए देखिए, एक इसका ये घटक ले लेते हैं और एक इसका इस घटक इस दिशा में ले लेते हैं। मतलब ये हुआ कि जो आपका ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, इसको हम दो घटकों में वियोजित कर देते हैं। आप देखिए, इसका जो ये घटक होगा, ये हो गया हमारा इस डायरेक्शन में P cos थीटा और इस डायरेक्शन में हमारा हो गया P sin थीटा। अब देखिए, ये बिल्कुल अक्षीय स्थिति की तरह लगने लगा कि अगर वैद्युत द्विध्रुव
इस तरह से रखा हुआ होता तो ये इसके अक्षीय रेखा के आर दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस डायरेक्शन में आपका ये होता। मान लेते हैं कि ये E1 है। E1 किसके कारण है? इस P का जो घटक P cos थीटा है, इस P cos थीटा इस घटक के कारण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के इस घटक के कारण R दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी E1 है। और जब हम इसका ये घटक ले रहे हैं P sin थीटा, तो P sin थीटा के लिए यही रेखा देखिए, ये निरक्षीय रेखा की तरह कार्य कर रहा है। तो इसके निरक्षीय रेखा के कारण और इस P sin थीटा के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसका डायरेक्शन ये होगा। ये हम इससे पहले पढ़ भी चुके हैं। ये आपका E1 हो गया और ये आपका E2 हो गया। इसका डायरेक्शन ये इसके विपरीत इस दिशा में होगा। इनका जो परिणामी होगा, ये समांतर चतुर्भुज के नियम के अनुसार जोड़ लेते हैं इसको वेक्टरों के योग के अनुसार, तो इसका परिणामी ये मान लेते हैं ई हो गया। ये इसका परिणामी हो गया, ये आपका ई हो गया। और मान लेते हैं कि ये जो आपकी रेखा है आर, इस आर से ये फाई कोण हो गया है। तो अब आइए देखते हैं कि इस फिगर को समझते हुए और इसके अनुसार इसी ई का मान निकालना है पी बिंदु पर। अब इसके कारण जो E1 का मान आएगा, E2 का मान आएगा, इसका जो परिणामी होगा वो E का मान हमें ज्ञात करना है। तो आइए सबसे पहले ये देखते हैं कि E1 का जो मान होगा, E1 का मान कितना होगा? 1/4 पाई एप्साइलन 0। ये आपने लिखा। E1 किसके कारण है? अक्षीय रेखा के कारण है आपका E1, अक्षीय रेखा के कारण। इसके अक्ष पर ये सूत्र हम लगाते हैं 2P/R³, और P का मान यहाँ क्या है? P cos थीटा। तो E1 बराबर हो गया 1/4 पाई एप्साइलन 0 2P cos थीटा, और बाई आपकी दूरी वही है R, तो R³ हो गया। और इसी तरह से जो E2 होगा, E2 आपका क्या हुआ? इस P का जो घटक आपका P sin थीटा है, इस P sin थीटा के कारण आपका E2 है, तो E2 आपका निरक्षीय स्थिति पर हो गया। तो निरक्षीय स्थिति के कारण हो गया E2 बराबर 1/4 पाई एप्साइलन 0 कितना? P/R², तो P sin थीटा बाई आर, सॉरी, P sin थीटा बाई R³। P sin थीटा P/R³ है, तो P sin थीटा बाई R³। बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये होगा हमारा वेक्टर E=V वेक्टर E1 और प्लस वेक्टर E2। वेक्टर E की वैल्यू क्या होगी? वेक्टर E1 और प्लस वेक्टर E2। तो हम इसका E का मान निकाल लेते हैं। तो E हमारा कितना होगा? E बराबर होगा हमारा √E1² और प्लस E2². ये देखिए एक दूसरे के ये परपेंडिकुलर होंगे। E1 ये अक्षीय है और ये निरक्षीय स्थिति के कारण है, इसका मतलब ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो E का जो परिणामी मान होगा वो √E1² + E2² के बराबर होगा। इन मानों को हम रख देते हैं। आप देखिए ये 1/4 पाई एप्साइलन 0 का वर्ग दोनों में आएगा और इसको हम लोग कॉमन कर लेते हैं, तो आपका कॉमन हो जाएगा 1/4 पाई एप्साइलन 0 और R³ भी कॉमन हो जाएगा। तो चलिए 1/R³ भी हमने लिख दिया और
अंडर रूट ले लिया, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और आर क्यूब ये हमने कॉमन कर लिया, और ये लिख दिया 2P cos थीटा का स्क्वायर और प्लस P sin थीटा का स्क्वायर। इसी को हल कर देते हैं, इक्वल्स टू भी हो गया हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और ये हुआ 1/r³। हम p भी कॉमन ले सकते हैं तो p/r³ कर लेते हैं और अंडर रूट यहां से p स्क्वायर दोनों में कॉमन बाहर कर लेते हैं, ये p हो गया, ये हो गया 4 cos² थीटा और प्लस sin² थीटा। तो sin² थीटा और प्लस cos² थीटा ये आपका हो गया 1। तो इस तरह से e इक्वल्स टू भी हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p/r³ और अंडर रूट 1 + sin² थीटा प्लस cos² थीटा 1 हो गया, यहाँ 3 cos² थीटा बचा तो 3 cos² थीटा। तो ये हमारा जो सूत्र आया e = v 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और p/r³ अंडर रूट 1 + 3 cos² थीटा, ये वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर, वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बताता है। अच्छा, अब इससे हम इन दोनों को भी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, जैसे अक्षीय स्थिति के लिए अक्षीय स्थिति का मतलब ये हुआ कि थीटा ये इस डायरेक्शन में होगा, थीटा मतलब ये जो है वैल्यू ये इस डायरेक्शन में होगा तो ये अक्षीय होगा, तो इसका मतलब थीटा यहां 0 होगा, थीटा की वैल्यू आप 0 कर दीजिए। तो थीटा की वैल्यू जब हम 0 डिग्री करेंगे तो cos 0 का मान कितना होता है, cos 0 का मान 1, cos 0 का मान 1 हो गया, तो हम क्या देखेंगे, ये आपका हो गया, देखिए e = v 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये p हो गया, ये / r³ हो गया और ये अंडर रूट 1 + 3 और ये cos 0 का मान 1 हो गया, तो 3 + 1 ये 4 हो गया, अंडर रूट 4 का मतलब 2 हो गया, तो ये आपका मिल जाएगा यही e = v 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और 2p/r³। और निरक्षीय स्थिति के लिए देखते हैं, निरक्षीय स्थिति का मतलब यही थीटा बराबर 90 अंश हो जाए, तो थीटा 90 अंश हो गया तो cos 90 अंश का मान 0 हो गया, e की वैल्यू कितनी हो गई 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये p/r³ है और अंडर रूट 1 + और cos 90 का मान 0, इसमें ये वैल्यू हो गई आपकी 0, तो ये आपको क्या मिल जाएगा e = v 1/ ये वैल्यू आपकी 1 हो गई और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p/r³ हो गया। अच्छा, अब ये देखते हैं, ये तो आपका परिणामी हुआ, लेकिन e का मान यहां हम देखते हैं कि ये सदिश राशि है, ये एक कोण बना रहा है, तो इसका मान देखते हैं, यही लिख दे रहे हैं, देखिए इसे हम लिख सकते हैं कि tan थीटा, हमने फाई कोण लिया है, तो tan फाई e = v हो गया e2/e1 और e2 का मान देखते हैं, e2 का मान ये आपने लिया है और e1 का मान ये आपने लिया है, तो आप देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ये कैंसिल हो जाएगा, r³ ये कैंसिल हो जाएगा, तो e2 में आपका बचा यहाँ p sin थीटा और बाई ये 2p cos थीटा बचा, 2p cos थीटा बचा, तो इस तरह से जो p से p कैंसिल हो गया 1/2 और ये tan थीटा बचा। तो इस तरह से हम पाएंगे कि tan फाई की जो वैल्यू होगी 1/2 tan थीटा होगा। तो
तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि किसी भी वैद्युत द्विध्रुव के कारण, किसी भी वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसके किसी भी बिंदु पर, चाहे वो निरक्षीय हो या अक्षीय हो या इसके अलावा कोई भी अन्य भी बिंदु हो, तो यहाँ अन्य बिंदु के लिए ही ये निकाला गया था। तो हम लोगों ने देखा जो E का मान आता है ये 1/4πε₀ P बाई आर क्यूब हुआ, अंडर रूट 1+3cos² θ हुआ, और जहाँ ये थीटा जो है ये है, जो R आप ले रहे हैं मिलाने वाली रेखा, ये वेक्टर P के साथ कितना कोण बना रहा है इसको निर्धारित करता है, और फाई ये परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इस वेक्टर P की दिशा से लिया गया है, और इसमें ये संबंध हुआ आपका कि tan phi equals to be 1/2 tan theta। तो ये रहा आपका वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आइए अब देखते हैं, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर बलयुग्मों का आघूर्ण, अगला टॉपिक जो है वो हमारा क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर बलयुग्म का आघूर्ण। मान लेते हैं कि एक समान ये वैद्युत क्षेत्र आपका है, एक समान वैद्युत क्षेत्र हम जो कागज के तल के समानांतर इस तरह से लेते हैं, इसको दिखाया गया है यहाँ, और हम कागज के तल के लंबवत भी ले सकते हैं। तो जो कागज के तल के लंबवत लेते हैं उसको हम क्रॉस से दिखाते हैं। तो यहां मान लेते हैं कि एक समान वैद्युत क्षेत्र ये E है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई वैद्युत द्विध्रुव रखा गया है, माना कोई भी वैद्युत द्विध्रुव ये यहां रखा गया है, ये आपका माइनस क्यू और ये आपका प्लस क्यू है, दोनों के बीच की दूरी है कितनी, ये रखा हुआ है। अब देखिए इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में एक बल कार्य करेगा यफ, और इस बिंदु पर भी इस दिशा में एक बल यफ कार्य करेगा। ये दोनों बल एक दूसरे के विपरीत हैं लेकिन परिमाण में बराबर हैं, इसलिए हम इसे बल युग्म कहेंगे। ये क्या है, एक दूसरे की विपरीत दिशा में है और इसको ये इस तरह से घुमाने का प्रयास करेगा और इसको घुमा करके वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करेगा। तो इस तरह से जो बराबर तथा विपरीत बल कार्य करते हैं उसको हम कहते हैं बलयुग्म, और इस बलयुग्म का आघूर्ण हमको निकालना है। तो ये बलयुग्म कहलाया, मतलब ये बलयुग्म एक प्रत्यानयन बलयुग्म भी कहलाएगा, प्रत्यानयन बलयुग्म भी कह सकते हैं इसको। इस प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण हमें ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र E में कोई भी वैद्युत द्विध्रुव ये रखा हुआ है, जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा से ये थीटा कोण पे रखा हुआ है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा से ये मान लेते हैं थीटा कोण पे रखा हुआ है, जिसके आवेश का मान ये Q है, इनके आवेशों के बीच की दूरी ये 2L है, इस पर लगने वाले बलयुग्म का जो आघूर्ण होगा, बलयुग्म का आघूर्ण क्या होता है,
इसको हम टाउ से लिखते हैं, और टाउ बराबर बल गुणे बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो हम कह सकते हैं प्रत्यानयन, इसे हम प्रत्यानयन बल भी कह सकते हैं, प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण, प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण ये बराबर बल गुणे क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी। बल युग्म के आघूर्ण को हम टाउ से लिखते हैं। बल आपका ये एफ लग रहा है, ये आपका बल एफ लगा, लिख दिया हमने। क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी इस पर हम देखते हैं, इस ये बल लग रहा है बल, और ये इसको इस तरह से घुमाने का प्रयास कर रहा है, तो आपका इस रेखा और इस पर लगने वाला बल, ये दूरी लंबवत जो होगी, ये क्रिया रेखा के बीच की दूरी होगी, लंबवत दूरी होगी। तो ये वैल्यू अगर थीटा है तो हम क्या कह सकते हैं, इसको क्या लिखेंगे, 2L साइन थीटा, ये 2L साइन थीटा होगा, ये साइन थीटा बराबर होगा हमारा लंब बटा कर्ण, और इस तरह से हम लंब को लिखेंगे 2L साइन थीटा, ये 2L साइन थीटा हो गया। तो हम F इंटू यहां लिख सकते हैं 2L साइन थीटा। अच्छा, अब देखिए E और F में क्या संबंध है, जैसे ये Q आवेश है और इस पर F बल लग रहा है, E विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, तो E बराबर जो होता है, E बराबर हम लिखते हैं F अपान Q, और यहां से हम लिख सकते हैं F इक्वल्स टू बी Q इंटू E, Q और E। तो F की जगह पे हम लिख सकते हैं क्या है, Q E और इंटू 2L साइन थीटा। तो इस तरह से हम यहां कर लें 2QL, ये एक साथ कर लें, और E साइन थीटा हो गया। तो 2QL को हम क्या लिखेंगे, P, ये सूत्र हम जानते हैं कि P बराबर होता है हमारा 2QL। तो 2QL की जगह पे हम क्या लिख देंगे, P, और ये हो गया हमारा E, और ये हुआ साइन थीटा। तो टाउ बराबर हो गया हमारा पी ई साइन थीटा। ये क्या हमको मिला, इस वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत क्षेत्र में रखने पर इसके बलयुग्म का आघूर्ण मिला। वैसे बलयुग्म का जो आघूर्ण होता है वो सदिश राशि होता है, तो हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका वेक्टर रूप जो होगा वो क्या होगा, टाउ बराबर पी क्रॉस ई, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, टाउ बराबर पी क्रॉस ई, मतलब टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। अब देखिए इसकी कुछ स्थितियां हैं, वो कौन सी स्थितियां होंगी, आइए इस पर हम चर्चा करते हैं। इसके कंडीशन है, स्थितियां, इसमें पहली स्थिति हम ये लेते हैं, जब इस वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के समांतर और इसी की दिशा में रखते हैं, मतलब पी प्लस क्यू की दिशा, प्लस क्यू की दिशा ये इसी दिशा में, मतलब पी की दिशा ये माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होगा, और पी की दिशा ये ई की दिशा में हो। यहाँ पी की दिशा से ही हम अभिप्राय निकालते हैं, पी और ई की दिशा समान है, इसका मतलब दोनों के बीच का जो कोण होगा वो शून्य होगा। तो पहली स्थिति यही हम देते हैं, क्या यहाँ थीटा बराबर जीरो, तो थीटा बराबर जीरो का मतलब हुआ जब वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत
क्षेत्र के समांतर तथा क्षेत्र की दिशा में हो। ये हिंदी इसका जानना जरूरी है, ये कंडीशन बनता है आपका, जब वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के समांतर तथा क्षेत्र की दिशा में हो। क्षेत्र की दिशा में ही होगा तब थीटा हमारा कितना होगा, 0 डिग्री। और जब थीटा का मान 0 डिग्री हो गया तो साइन 0 का मान 0 हो गया, तो टाउ बराबर कितना हो गया, 0। तो टाउ का मान हो गया, टाउ आपका हो गया 0। तो जब ये बल युग्म क्यों कार्य कर रहा है, ये बल युग्म ही इसीलिए कार्य कर रहा है कि उसको क्षेत्र की दिशा में ले आए इस तरह से। और जब क्षेत्र की दिशा में ही रहेगा तो जितना बल इस दिशा में कार्य करेगा उतना ही बल इस दिशा में कार्य करेगा, ये बिल्कुल बराबर तथा विपरीत बल होंगे, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे और लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण कितना होगा, 0 होगा। तो बाई मैकेनिज्म भी हम इसको समझ सकते हैं, मैकेनिक्स के अनुसार भी इसको समझ सकते हैं, और इस तरह से फिगर और सूत्र के अनुसार भी हम यहां देख सकते हैं इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण। तो जब ये क्षेत्र की दिशा के अनुदिश होगा और समानांतर होगा तो टाउ का मान 0 होगा। दूसरा देखते हैं, जब वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत हो, लंबवत होने का मतलब ये हुआ कि थीटा का मान 90 अंश हो। तो जब थीटा का मान 90 अंश होगा तो साइन 90 का मान 1 होगा, तो उस समय टाउ का मान ये सबसे अधिकतम होगा, टाउ का मान मैक्सिमम होगा, और टाउ मैक्सिमम बराबर आपका क्या हो गया, पीई। ये एक सूत्र भी आपको मिल जाएगा, टाउ मैक्सिमम बराबर पीई। अब यहां से हम ये देखते हैं कि अगर पी का मान हम निकालना चाहें तो पी बराबर हो गया आपका टाउ मैक्स और बाई ई। यहां से देखें, यदि हम ई का मान 1 करते हैं, 1 न्यूटन पर कूलाम, तो ई का मान 1 न्यूटन पर कूलाम करने पर पी का मान ये टाउ मैक्सिमम के बराबर होता है। यहां से हम एक परिभाषा लिख सकते हैं कि एक समान वैद्युत क्षेत्र जिसमें कोई वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण रखा हुआ हो, एक समान वैद्युत क्षेत्र जिसमें कोई वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण रखा हुआ हो, उसका मान यदि 1 न्यूटन प्रति कूलाम है तो उस पर लगने वाला वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान वैद्युत द्विध्रुव के बल आघूर्ण के बराबर होता है। मतलब पी का मान ये अधिकतम मैक्सिमम टाउ के मैक्सिमम मान के बराबर होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे हुए किसी वैद्युत द्विध्रुव के बल युग्म का आघूर्ण का अधिकतम मान उसके वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर होता है। टाउ मैक्सिमम का मान बल युग्म का आघूर्ण ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर होता है। तो ये आप नोट कर लीजिएगा। और तीसरा कंडीशन हम आपको यहां बता दे रहे हैं, तीसरा कंडीशन ये हुआ कि जब ये समांतर तो हो लेकिन क्षेत्र की दिशा के क्या हो, विपरीत हो। इसकी परिभाषा आप लिख लीजिएगा। और तीसरा कंडीशन हम यहां आपको बता दे रहे हैं क्या है, ये इस डायरेक्शन में ना होकर के ऐसे उल्टा हो। तो उल्टा होने का मतलब ये हुआ कि जब वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा के वैद्युत क्षेत्र के समांतर तथा
क्षेत्र की दिशा के विपरीत हो, तथा क्षेत्र की दिशा के विपरीत हो, नहीं लिख रहा है विपरीत हो। तो जब विपरीत होगा तो थीटा का मान कितना हो गया, 180 अंश हो गया, और साइन 180 अंश का मान भी जीरो होता है, तो इसका मतलब हुआ कि तो टाउ का मान कितना हो गया हमारा, टाउ का मान जीरो हो गया। तो सबसे अधिकतम मान कब होगा, सबसे अधिकतम मान ये होगा जब ये क्षेत्र की दिशा है और इस क्षेत्र की दिशा के अभिलंबवत बिल्कुल हो, अभिलंबवत होगा, तो इसको इस तरह से घुमाने के लिए सबसे अधिक बलयुग्म के आघूर्ण की आवश्यकता होगी, ये बलयुग्म का आघूर्ण उसमें सबसे अधिकतम होगा, और चाहे इस दिशा में होगा या इस दिशा में होगा उस समय लगने वाले बलयुग्म आघूर्ण का मान टाउ मैक्सिमम का, टाउ का मान कितना होगा, शून्य होगा। तो इस तरह से आपने आज वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे हुए वैद्युत द्विध्रुव के कारण बलयुग्म का आघूर्ण पढ़ा। अब अगले वीडियो में हम लोग जो है इसके ऊपर आधारित आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।